हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एस स्टडी टाइम। आज इस वीडियो में मैं आपको सुरेंद्रनाथ कॉलेज के फुल डिटेल के बारे में बताने वाली हूँ कि यहाँ पे एडमिशन शेड्यूल क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेक्शन सिलेक्शन क्राइटेरिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स, इन सब चीज़ों का एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सुरेंद्रनाथ कॉलेज में एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 18 जुलाई से। इसका लास्ट डेट है 5 अगस्त 2022 8 PM तक आप यहाँ का सुरेंद्रनाथ कॉलेज का फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। अब बात करती हूँ यहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ विक्टोरिया कॉलेज सुरेंद्रनाथ कॉलेज में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, तो यहाँ ऑनर्स कोर्सेज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑनर्स कोर्सेज़ में जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो वेस्ट बंगाल बोर्ड से अगर किसी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है तो उनके लिए 50%, और जिस सब्जेक्ट पे वो ऑनर्स करना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट में 45% मार्क्स होना चाहिए। यानी आपका रिज़ल्ट अगर 50% है और आप जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स लेना चाहते हैं उसमें 45% है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बंगाली, इंग्लिश, हिस्ट्री, जर्नलिज़म, फ़िलोसफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशोलॉजी, ये सारे ऑनर्स के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। अब बात करती हूँ यहाँ पे बीएससी ऑनर्स स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे बीएससी ऑनर्स के लिए बोटानी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, माइक्रोबायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और जूलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। आपको रिज़ल्ट कितना होना चाहिए, अगर आपका रिज़ल्ट 50% है और जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स करना चाहते हैं उसमें 45% है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये था यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से नहीं एग्ज़ाम दिए, ट्वेल्थ आपका कहीं और किसी दूसरे बोर्ड से है तो भी आप इस कॉलेज के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनके लिए भी रिज़ल्ट 50% अगर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, या उनका रिज़ल्ट अगर 40% भी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस सब्जेक्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में रिज़ल्ट 55% होना चाहिए तो यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करती हूँ बीकॉम ऑनर्स के लिए। तो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के लिए रिज़ल्ट 50% 45% आपका सब्जेक्ट में मार्क्स होना चाहिए। यहाँ जनरल कोर्सेज भी अवेलेबल है, बीए जनरल, बीएससी जनरल और बीकॉम जनरल। तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अगर आपका रिज़ल्ट 30% है, वेस्ट बंगाल बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया, आपका रिज़ल्ट 30% है तो आप यहाँ पे जनरल कोर्सेज़ के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड को छोड़ करके तो आपका रिज़ल्ट अगर 40% है तो आप यहाँ पे जनरल कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बात करती हूँ यहाँ के फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे जो फ़ीस है वो थोड़ा सा हाई है। अगर आप यहाँ पे जनरल कोर्सेज के लिए बीए, बीकॉम और बीएससी जनरल कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 4000 तक आपका फ़ीस है यहाँ पे। इसके अलावा आप अगर बीएससी ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका फ़ीस सब्जेक्ट के हिसाब से है, जैसे 6000 to 7000 फ़ीस है, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट जैसे माइक्रोबायोलॉजी और फिजियोलॉजी होगा तो आपका फ़ीस यहाँ पे बढ़ जाएगा और थोड़ा, ये 12000 तक है हाईएस्ट फ़ीस इसका। यहाँ पे आप प्योर साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वही 5000 6000, और यहाँ पे बीए ऑनर्स के लिए जो टोटल फ़ीस है वो 4000 है। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर है, यहाँ का फ़ीस दूसरे कॉलेजेस के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। अब बात करती हूँ यहाँ के नंबर ऑफ़ सीट्स की, नंबर ऑफ़ कैपेसिटी, सीट्स का कैपेसिटी कितना है। तो यहाँ पे जो बीए जनरल और बीएससी जनरल और बीकॉम जनरल, पहले इनकी बात कर लेती हूँ मैं। जनरल स्टूडेंट्स के लिए, बीए जनरल के लिए यहाँ पे 500 सीट्स हैं, तो काफ़ी सीट्स हैं सुरेंद्रनाथ कॉलेज में।
और बीएससी जनरल वालों के लिए यहाँ पे 183 सीट्स है और बीकॉम जनरल वालों के लिए यहाँ पे 340 सीट्स है। तो अच्छा खासा नंबर ऑफ सीट्स है जनरल स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा बीए कोर्सेज के लिए यहाँ पे जो मैक्सिमम सीट्स है वो 83, 83, 75, 47 इस तरीके से है। और यहाँ पे बात करूँ मैं बीएससी कोर्सेज के लिए, तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री कोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सीट्स मिलता है, 102 सीट्स मिलता है सुरेंद्रनाथ कॉलेज में। इसके अलावा बाकी सब वही 47, 57, 58 इस तरीके के सीट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो गाइज ये थी पूरी जानकारी सुरेंद्रनाथ कॉलेज के एडमिशन की, के यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है और यहाँ का इनटेक कैपेसिटी क्या है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।